जाओ माइलो निकाल के दिखाओ। हैंड उसको कुछ मत बोलो, रुको ये देखो उसका स्टाइल देखो निकालने का, ये देखो वहाँ पे चुहारे के बीज रखे जैसे आदमी हाथ नहीं मारता। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं मिताशी रावत और वेलकम है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। और आज का नया ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं शाम के 6:15 बजे, क्योंकि पहले तो आप सोमी से मिल लीजिए। सोमी यही है वो इंसान जो कल तक चिल्ला रहा था कि कल संडे है, कल मस्ती करेंगे, कल खूब ब्लॉगिंग करेंगे, बातें करेंगे। काहे की मस्ती, पूरे दिन भर रही इनको सुस्ती और ये पूरे दिन भर सोते रहे। एक्चुअली ये आए 9 बजे में और 9 बजे में आके ये खा पी के सो गए और ये सीधे शाम को उठे हैं। इवन इन्होंने खाना भी शाम को 5 बजे में खाया है। एक्चुअली क्या हुआ कि ऑफिस में कुछ हो गया था तो मुझे लेट हो गई, तो 9:30 बजे तक आया है ना, 9:30 बजे 9:30 बजे तक आया और फिर लेट ही होती गई और लेट ही होते गई और ब्लॉग में भी लेट होती जगह होगा सस्ते। और बस शाम का टाइम हो गया तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड भी। जो करते हैं ब्लॉग का एंड तो वैसे भी ठंडी का टाइम है, ठंडी का टाइम मतलब ठंडी ठंडी हो रही है। कल से मौसम ऐसा बना है बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा है। तो मेरा आज कर रहा है कॉफी पीने का मन। मैं कॉफी बनाऊँ? व्हाई नॉट? तुम पियोगे कॉफी? तो बहुत अच्छी बनाती है कॉफी, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है इसलिए वो अच्छी बनती है। आज कॉफी वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। और ये देखो माइलो और ये रियो किचन में इन दोनों को पता है किचन में। देखो कुछ निकाल रहा है ऊपर से, वो देखो स्लैब से कुछ निकाल रहा है। वहाँ पे छुहारे के बीज रखे हैं ना तुमने। रुक जाओ ना सोमी, देखने तो उसका स्टाइल निकालने का। जाओ माइलो निकाल के दिखाओ। हैंड उसको कुछ मत बोलो, रुको ये देखो उसका स्टाइल देखो निकालने का। ये देखो वहाँ पे चुहारे के बीज रखे हैं जैसे आदमी हाथ नहीं मारता। नहीं निकल रहा। फिर से एक और बार ट्राई करो बेटा। शाबाश, ट्राई। कम ऑन यू कैन डू इट। कम ऑन, निकाल लिया फाइनली। देखा नीचे नहीं गिरा बेटा, वो अभी ऊपर ही अटका है। ऊपर ही मानो ऊपर है। निकाल लिया लेके भागेगा। हाँ लेके भाग। चलो इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, ये दो। क्या खा रहे हो? दो वापस। चलिए दोस्तों, माइलो की इसी मस्ती के साथ मैं भी बनाती हूँ अपने लिए कॉफी और सोमी के लिए भी। हमारे पास मशीन नहीं है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। और पीनी मुझे वैसी बीट की कॉफी है कटोरे में, इसलिए क्या ना मुझे देखती हूँ आज कटोरे में करके। वैसे मैं कप में फेंटती हूँ अच्छे से। ये बना रही है मितू कॉफी, हैंडमेड कॉफी। 2000 years later। अब आएगा कॉफी में स्वाद। देख रहे हो काली से भूरी हो गई। भूरी नहीं, वाइट हो जाती है। तो वाइट अभी भी मतलब इसमें कसर बाकी है। मैं अच्छी बनाती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं अच्छा ना करूँ। दोस्तों चलो करते हैं अपनी कॉफी एंजॉय और मिलते हैं आपके थोड़ी देर। तो दोस्तों कॉफी तो हमने पी ली, एंजॉय कर ली। तो चलते हैं देख के आते हैं विशाल में क्या क्या है। कुछ ऑफर वाला है तो ले भी आएंगे, है ना। तो चलो आप भी तो चलो दोस्तों चलते हैं, वॉक करके आते हैं, एक वॉक लेके आते हैं। और विंडो शॉपिंग किसको अच्छी नहीं लगती, मैं भी आज विंडो शॉपिंग करके आ जाऊंगी विशाल में। और क्या है तो जी अभी आया विशाल में और मित्तू फिर से शुरू हो गई। ये देखो फिर से टोकरी भर दी है। नहीं इसको खानी थी टिक्की, इसलिए आ गई यहाँ पे। जहाँ देखे गोलगप्पे वहीं शुरू हो जाती है। मैं नहीं खा रहा। मैंने खा लिए यहाँ पे गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे को दिक्कत रुका नहीं जाता। और रियो के लिए पैक करानी पड़ेगी टिक्की, क्योंकि वो गोलगप्पे खाते हुए मुझे देखेगा ब्लॉग में तो रोएगा बाप। क्यों तुम तो खिलाने के चक्कर में कहाँ। और बारिश देखो बाहर, बारिश हो ही रही है। तो जी हो गए गोलगप्पे पैक, ओ सॉरी टिक्की, और अब चलते घर की तरफ। लाइट तो खोल बेटा, दो कैदी जेल में, दो जेल में कैदी बंद है। दो कैदी जेल में बंद है। खोलो 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 माइलो खोलो। और भाई रियो क्या कर रहा था तू? मैं तेरे लिए टिक्की लाई, टिक्की, क्योंकि मैंने खाए गोलगप्पे। मैं लाई हूँ दोस्तों ये बकेट अपने बर्तनों के लिए जो धोके में रखती हूँ। इसके नीचे एक ट्रे भी है, ये मैंने मीशो में भी देखी थी और अमेज़ॉन में भी देखी थी और ऑलमोस्ट सेम ही रेट था। तो विशाल में भी ये 300 की मुझे मिल गई, तो मुझे लगा यार ठीक है 300 में क्या आता है, तो मैंने ले ली। क्योंकि मेरे बर्तनों की टोकरी जो थी वो थोड़ी छोटी, मुझे तो अच्छी लग रही है। और इसमें ये ट्रे वाला सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, पानी निकल जाता है ना वहाँ पे, नहीं तो गंदा रहता है, गंदा रहता है वरना। चलो बस यही आज हमने कुछ ज्यादा ऐसा सामान नहीं लिया, यही सामान। नहीं हम तो ऐसे गए थे ना, ऐसे गए हम, ऐसे ही थे थोड़ा वॉक के लिए। अब घर के पास ले देके एक विशाल पड़ता है, तो कुछ नहीं तो आंखों को एक अच्छी अच्छी चीजें दिखाने के लिए हम विशाल चले जाते हैं। तो जाओ तो एक आधी चीजें उठाई जाती है। तो गोलगप्पे खा के मेरे लिए ये लाई है, एक टिक्की, क्या है टिक्की, वेरी टेस्टी। बैठ के खा। मेरा पेट फुल हो गया है और मैं और कुछ नहीं खा सकती। मैं भी नहीं। तो दोस्तों सोम मेरे हो रहा था बहुत ज्यादा हेडेक और सोमी गए दवाई लेने, और माइलो देखो कहाँ बैठा है। मतलब माइलो ऐसा दुखियारा देवदास सा बैठा है कि मेरा मालिक कहाँ चला गया है। देखो इसकी हालत ये है, मतलब दरवाजा खुला छूट गया ना तो ये तब तक बैठा रहेगा जब तक सोमी आ नहीं जाते। ये है माइलो के हाल, मतलब सच में ये अभी नहीं बैठा है। इधर से सोमी को गए हुए हो गए 5 मिनट से यही बैठा है, यहाँ से हिला नहीं है। और ये देखो ये बैठ गया फिर से देवदास, पारो के इंतजार में। देवदास ना पारो का इंतजार कर रहा था, देख यही बैठा हुआ था वो, पता है तुम्हारे इंतजार में। जब से तुम गए ऐसे बैठा हो दुखिया रहा था कि मेरी पारो का भाई। पारो तो बैठा ही ऐसा था देवदास की तरह। तो देखिए अब मैं साफ किचन में अपनी बकेट का लुक दिखाती हूँ। हट जाओ। ये देखिए काफ़ी सारा सामान आ गया है मेरा, इसमें काफ़ी सारे बर्तन आ गए हैं और काफ़ी अच्छी बकेट है और काफ़ी मतलब इसका ऐसा नहीं है मटेरियल हल्का फुल्का हो, ठीक है मटेरियल भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात कि अब मेरा ये वाला प्लेटफॉर्म ना गीला गीला नहीं रहेगा, सूखा रहेगा क्योंकि सारा पानी ट्रे में इकट्ठा हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ हुई है। और चलो अब हम करते हैं अपने डिनर, है ना, क्योंकि रियो को भी स्कूल जाना है। और सोमी तुम्हारा तो ऑफ है ना कल, पर बारिश तो लगातार हो ही रही है, अभी भी बारिश ही हो रही है, मतलब बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो सब गीला गीला पड़ा है यहाँ, इवन मेरे कपड़े तक नहीं सूख रहे हैं। देखो कपड़े मैंने इधर डाले हुए हैं जो सूखने का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल इधर डालने पड़ रहे हैं क्योंकि इधर तो बारिश हो रही है, इधर डालूंगी तो सारे भीग जाएंगे। और ये देखो बारिश की बूंदें, सड़क गीली पड़ी है। तो चलो करते हैं अब अपना डिनर और फिर सुबह रियो को जल्दी उठना है स्कूल की तैयारी के लिए। और पता है ये रियो क्यों चल रहा है खुशी के मारे, क्योंकि कल से ये जीन्स ले जाएगा। स्टाइल मारूंगा कि अपना पजामा तो संभाला नहीं जा रहा, स्टाइल मारेगा। हाँ गजब बेइज्जती है। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे डिनर करके। और मेरे पापा चिढ़ जाता है ना ये रहा। रुको ये लो खाओ। तो माइलो तो कर रहा अपना डिनर और हम करते थोड़ा रेस्ट। हो गया हमारा डिनर और अब हम करेंगे आराम। तुमने तो पूरे दिन भर आराम किया, तुम क्या करोगे? तुम रात को पहरेदारी करोगे शायद। और दोस्तों मेरे हो रहा था सर में दर्द तो मैं थोड़ा लेट गई और मैं अब जल्दी लेटूंगी, मतलब मैं जल्दी सो जाऊंगी। मैंने गोली ली है अभी भी, मतलब गोली भी खा ली है सर दर्द की। और एक और चीज मैं रियो के लिए लाई थी, छोटी सी बोतल स्टील की, देखो बहुत अच्छी है, पोर्टेबल सी छोटी सी और लीक प्रूफ है। देखो लीक भी नहीं होती, पानी है इसके अंदर, अच्छी है ना। बैग में कहीं पे मतलब छोटे पर्स में भी रख के चल दो, लीकेबल प्रूफ है। लीक प्रूफ, लीक प्रूफ है। और ये बहुत अच्छी है छोटे से पर्स में रखने के। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं हम एंड। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को, अगर चैनल में नहीं हो तो अबे इसे तो वही रखा हुआ है, चैनल से सोनी शुरू हो जाता था। कौन था वो? हॉकी का प्लेयर था। मैं पहले हॉकी का प्लेयर था, मैं फुटबॉल खेलता था। रियो को जैसे ही बोलो व्लॉग एडिट करने को वही शुरू हो जाता है। दोस्तों यहीं पे करते हैं अपने आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।